बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। समावेशी शिक्षकों की हड़ताल से बेगूसराय के 5499 दिव्यांग बच्चे हुए बेसहारा। तेगरा, समावेशी शिक्षकों की ओर से दिव्यांग बच्चों को पठन पाठन से लेकर अन्य सेवाएं दी जाती हैं, पर सभी समावेशी शिक्षक नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन रिहेब प्रोफेशनल एंड फिलान अस्त्रोप व बिहार समावेशी शिक्षा संघ के आह्वान पर बिहार शिक्षा परियोजना के समावेशी शिक्षण विभाग में कार्यरत जिले के 28 साधन सेवियों अपने विभिन्न मांगों को लेकर 21 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से सभी 18 प्रखंडों के 5499 अध्ययनरत्न दिव्यांग बच्चों पूरी तरह से बेसहारा हो गए हैं। समावेशी शिक्षा की ओर से दिव्यांग बच्चों को पठन पाठन से लेकर अन्य सेवाएं दी जाती हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डेट समावेशी शिक्षकों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में विशेष शिक्षक का पद सृजित कर समावेशी शिक्षकों को उक्त पद पर समायोजित करते हुए अन्य शिक्षकों की तरह वेतन भत्ता आदि देने, समावेशी शिक्षा कर्मियों का सेवा नियमावली बनाने, सेवा काल में मृत समावेशी शिक्षा कर्मियों के आश्रितों को पेंशन सहित अन्य आर्थिक सहायता देने, सभी प्रखंड के प्रत्येक प्रकार की दिव्यांगता हेतु एक एक विशेषज्ञ की स्वीकृति पद के अनुरूप नियुक्त करने आदि की मांगों को लेकर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। समावेशी शिक्षक दीपक कुमार ने कहा कि मांगे पूरा होने पर हड़ताल जारी रहेगा। हड़ताल जारी रहने से इन दिव्यांग बच्चों के सामने समस्याएं खड़ी हो गई हैं। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।